सदर सांसद रवि किशन ने सोमवार को नगर निगम के संक्रमण वार्ड में पहुंचकर कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया। आपको बता दें कि संक्रमण वार्ड में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सोमवार को सदर सांसद रवि किशन ने दोपहर के बाद संक्रमण वार्ड पहुंचकर अपना सेकेंड डोज लिया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है तो वह निर्धारित समय पर अपना सेकेंड डोज लगवा ले। सांसद रवि किशन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में वैक्सीनेशन की उपलब्धता की कमी नहीं है, निर्धारित केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लगकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं तथा भीड़ भाड़ एवं शादी ब्याह में जाने से बचें और सभी लोग डबल मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, इतने लोग का है जिनों को ऑनलाइन है जिनका नहीं है वो लगा दो, उसको वैक्सीन को वेस्ट मत करो। जल्दी होता है वैक्सीन ही लगाएंगे ना, सब नंबर देख लेना की है तो भी लगा दे बेटा, सेकंड डोज में नहीं लिखा पड़ी तब भी है डोज लगाए बगैर कोई जाए। हाँ, मैं समस्त जनता से, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करके कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना रजिस्ट्री करवा लें ऑनलाइन, अपने आप को रजिस्टर करके तुरंत ये वैक्सीन लगा दी। देखिए ये वैक्सीन ये रक्षक है, ये सुरक्षा करेगा, ये बहुत बड़ा कवच है। इसके लिए आप लोग थोड़ा भी कोताही ना करें। अगर पहला डोज ले लिए तो अपना सेकेंड डोज डेट याद करें, रजिस्ट्री करें, आए, वैक्सीन की उपलब्धता है, आप लोग आए, लाइन लगाएं और उसको लगवाएं ज़रूर, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो आप लोग को तैयारी रखना है, अपने शरीर को ये कवच धारण करना है, जो स्वदेशी हमारा वैक्सीन है, जो हज़ारों हज़ारों मेहनत के बाद, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के बाद इसको बनाया गया। तो आप लोग ज़रूर आएँ, सब लोगों से हाथ जोड़ के निहोराबाग गाँव देहात में भी लोग वैक्सीन ज़रूर लगा ली है, इतना निहोरा बाटे सब लोगन से। हम अपन दूसरा डोज आज पूरा कर लिए, ये बहुत बड़ा कवच बा अपने शरीर के लिए। मास्क जरूर पहना, उसके बाद भी मास्क पहनने के बाद डबल मास्क पहने अगर आप बाहर जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी रखिए सबसे, हाथ धोते रहें लगातार, शादी ब्याह ये सबको अवॉइड करो, भीड़ वाली जगह को अवॉइड करो। यूपी में केस आज से कम हो रहे हैं तो आप लोग ऐसे मदद करें और केसेस कम होंगे, हम लोग इस कोरोना के इस जो बहुत बड़ा जो सेकेंड वेव आया जिसने त्राहिमाम मचा दिया, इसको हराने में सफल होंगे अगर आप लोग साथ देंगे। लेकिन इसी तरह लॉकडाउन का पालन करें जिसको कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है, और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कुछ समय और बाद हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। आज केसेस बहुत कम हुए हैं, आज हम लोगों के 80,000 केस यूपी में कम हुए, 3 लाख कुछ थे, उससे कम होके आज हमारे 2,25,000 आए हैं। तो आप लोग साथ दें, इसी तरह हम लोग इसको पूरा कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम सब लोगों का साथ चाह रहे हैं, गोरखपुर जनपद का। आज महाराज जी के साथ एम्स में भी गए थे, 500 बेड की सुविधा शुरू करने के लिए आदेश हो गया है, और वहाँ का 35 बेड शुरू होगा जो शुक्रवार से हो जाएगा। तो आप लोग साथ दें निरंतर, सरकार, हम सब जनप्रतिनिधि, मैं सांसद पूरे प्रयास में हूँ कि आप लोगों को किसी एक एक जान को बचाना है हम लोगों को।